में से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायने रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है, आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधीरंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है, अधीरंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं, और मैंने पहले कह दिया आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया, और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हाँ दादा देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो मैंने बता दिया। अधीरंजन जी प्लीज, अधीरंजन जी अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना आदर करता हूँ, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे भाई हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज अधीरंजन जी प्लीज, माननीय सदस्य दादा प्लीज। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हां